प्रिय दोस्तों, नवजीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में शास्त्री जॉनसन सी फिलिप पवित्र बाइबल से मर्मस्पर्शी संदेश प्रस्तुत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत आशीष देंगे। हम लोग नियमित रूप से उनके इन हृदय स्पर्शी वीडियो को यहाँ पोस्ट करते हैं। इन नए वीडियो के बारे में अपनी आप जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे पहले सब्सक्राइब बटन को और उसके बाद घंटी की बटन को दबाएं। बस हो गया काम, अब नए वीडियो की सूचना घर बैठे अपने आप आपको मिल जाएगी। प्रभु आज से 2000 साल पहले यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मध्यपुर में पधारे थे। 30 साल की उम्र तक वे अपने माँ बाप के साथ रहे। 30 साल की उम्र में जब उनको पता चला, जब उनको महसूस हुआ कि अब मेरा सेवा कार्य आ गया है, तो प्रभु सेवा के लिए निकल पड़े। प्रभु यीशु ने 3.5 साल सेवा की। ये 3.5 साल प्रभु को बिल्कुल विश्राम का समय नहीं मिला। सारा का सारा समय प्रभु हर जगह घूम घूम कर लोगों को शिक्षाएं देते रहे। बल्कि स्थिति ये थी कि एकदम से सुबह सुबह लोग उनकी वाणी सुनने के लिए एकत्रित हो जाते थे और रात को देर रात तक लोग उनको घेरे रहते थे। कई बार प्रभु को लोगों से कहकर अलग होना पड़ता था, जिससे कि उनको और उनके जो शिष्य हैं उनको थोड़ा सा विश्राम मिल सके। हम इन दिनों प्रभु ने जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेक्चर दिया था या जो प्रवचन दिया था, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उस प्रवचन के लिए प्रभु एक पहाड़िया पर चढ़ गए थे, जिससे कि उनकी आवाज दूर तक हजारों लोग सुन सके। पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ बैठकर उन्होंने ये उपदेश दिए, इसलिए ये पहाड़ी उपदेश कहलाता है या पर्वतीय उपदेश कहलाता है। कई हफ्तों से हम पर्वतीय उपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और आज के अध्ययन के लिए मत्ती नामक जो पुस्तक है उसके 6 अध्याय को खोल लीजिए। बाइबल के 2 हिस्से हैं, जैसा मैं हमेशा बताता आया हूँ। पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध में 27 किताबें हैं जिनका वो संकलन है। ये जो 27 पुस्तकें हैं, इनमें से 4 पुस्तकों में प्रभु यीशु की जीवनी मिलती है। जीवनी के साथ साथ प्रभु ने जो शिक्षाएं दी थी, वो शिक्षाएं भी अपन पढ़ते हैं। उस प्रसिद्ध जो शिक्षा है या वो जो प्रवचन है जिसको पर्वतीय उपदेश कहा जाता है, उसको जब हम आगे बढ़ते हैं तो 6 अध्याय में 2 बातें शुरू में कही गई हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात हमको श्लोक 1-4 या पद 1-4 में मिलता है, जहाँ हम पढ़ते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, क्योंकि मनुष्य के दिखाने के लिए इस तरह के कार्य करोगे तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। इस कारण जब तुम दान धर्म करो तो अपने आगे तुरही मत बजवाना, जैसा कपटी लोग या पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं, जिससे कि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। अभी भी अपने हिंदुस्तान में कई जगह अपन देखते हैं, कोई व्यक्ति यदि कोई दान दूसरे व्यक्ति को या दूसरे परिवार को या किसी अनाथालय को देने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, ठेलों में माल भर भर के रखता है और उसके बाद बैंड बाजे बुला लेता है। कम से कम जिस इलाके से मैं आया हूँ, मध्य प्रदेश का चंबल इलाका, वहाँ तो लोगों की आदत है कि यदि आप 2 थाली लड्डू किसी को भेज रहे हों तो उसको कम से कम 8 थालियों में बांट के 2 अलग अलग ठेलों में रख के सामने बैंड बजाते हुए वो सड़क से जाता है, जिससे कि लोगों को पता चले कि फलाने व्यक्ति ने ये दान अपने रिश्तेदार को या किसी मंदिर को या किसी अनाथालय को दे दिया है। प्रभु यीशु का जो समय था, जिस समय प्रभु संसार में प्रभु का सेवा काल था, उस समय लोगों की यही आदत थी। यदि वे कोई दान धर्म करते थे तो ना केवल दान धर्म करते थे,
5 रुपए का दान करते थे, 500 रुपए का नगाड़ा बजाते थे, जिससे लोगों को पता चले कि अरे हाँ फलाने साहब, वो तो भैया साहब तो बहुत बड़े दानी धर्मी हैं। प्रभु के कहने का मतलब ये है कि देखो ये नाटक नौटंकी क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि दूसरों को पता चले कि तुम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हो, प्रभु को कुछ दे रहे हो। लेकिन प्रभु का कहना है कि देखो तुम मनुष्यों की प्रशंसा पाने के लिए यदि दान धर्म करते हो, मनुष्य तो प्रशंसा करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति इस तरह से दान धर्म नहीं कर सकता है। इसलिए लोग देखेंगे, कहेंगे कि अरे अपने भैया साहब तो इस बार भी जो है, अभी 2 ही महीने पहले तो उन्होंने दान धर्म किया था, फिर 2 महीने के बाद दान धर्म करने लगे। लोग तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब लोग तारीफ करेंगे तो आप जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिल गया है। यदि प्रभु से प्रतिफल मिलना है तो मनुष्य को क्यों दिखाना? और यदि मनुष्य को दिखाना है तो आप काहे को प्रभु से प्रतिफल की उम्मीद करते हो? एक दान किया तो उस पर 2-2 फल थोड़ी मिलेंगे। तो प्रभु के कहने का मतलब यह है कि प्रभु के बच्चे, उनके जीवन में दान धर्म होना चाहिए, लेकिन जब वे दान धर्म करते हैं तब इस बात को याद रखें कि वे मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों की प्रशंसा पाने के लिए, या दूसरों के सामने अपना घमंड प्रदर्शित करने के लिए दान धर्म ना करें। इस बात को विशेष याद रखें। हम सब जानते हैं कि मुर्गी अंडा देती है, अंडा देने के बाद क्या करती है? जरा सा अंडा देती है, उसके बाद कुकड़ुकू करके वो सारे अड़ोस पड़ोस को जगा देती है कि हाँ मैंने अभी अंडा दिया है। कई लोग जब प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो उनकी भी यही आदत है कि उसका प्रोपेगेंडा, प्रचार बहुत करते हैं। प्रभु के कहने का मतलब है, मेरे बच्चे यदि तुम मुझे दे रहे हो तो ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, 50 लोगों को बताने की कोशिश मत करो, क्योंकि यदि 50 लोगों को बताने की कोशिश करते हो तो मैं तुमको जो अनुग्रह देने जा रहा हूं वो तुमने खो दिया है। ये एक बात हम में से हर व्यक्ति को अच्छी तरह से अपने मन में गांठ बांधनी चाहिए कि यदि हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो प्रभु के लिए करें, ना कि मनुष्य की प्रशंसा के लिए। इसके बारे में प्रभु ने स्वयं यहां कहा है, 3रे पद में हम देखते हैं, जब तू दान करे तो तेरा दहना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ ना जानने पाए। इसका क्या मतलब है? दहना हाथ करता है तो बाया हाथ, मतलब हमारा सारा शरीर उसके बारे में जानता है, लेकिन प्रभु के कहने का मतलब क्या है? प्रभु ने स्वयं उसको उसकी व्याख्या दी है 4थे पद में, तेरा दान गुप्त रहे तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है, मतलब प्रभु जो गुप्त में देखते हैं, तुमको प्रतिफल देगा। हम में से हर एक की इच्छा होती है जीवन में कभी ना कभी कि प्रभु ने मुझे जो दिया है उसमें से एक हिस्सा मैं प्रभु को दूं, और यदि ये इच्छा नहीं होती है तो उसका मतलब है कि हमारे मन में प्रभु के प्रति आभार नहीं है। जरा सोच कर देखें, हम में से हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु को आभार देने के लिए 50 बातें हैं। आज सुबह यहाँ आराधना के बाद मैं जब घर जा रहा था तो बीच रास्ते एक दवा की दुकान पे गाड़ी खड़ी करके दवा लेके गाड़ी में आके बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन 2 मिनट बिना गाड़ी आगे बढ़ाए वैसे ही बैठना पड़ा। क्यों? यदि मेरे सामने कोई सामान्य व्यक्ति होता तो मैंने हल्के से हॉर्न बजाया होता कि भैया मुझे आगे जाना है, आप इधर को हो जाएं या इधर को हो जाएं। लेकिन वो आदमी जो चलता हुआ आ रहा था, उसके चेहरे पे एक नज़र पड़ी तो एक बात स्पष्ट हो गई, बहुत ही मुश्किल से अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ऊर्जा को बटोर कर वो आदमी चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ टेढ़ा था, उसके पैर टेढ़े थे, उसकी कमर टेढ़ी थी, और शायद उसके साथ साथ
वो अति भयानक दर्द का अनुभव भी कर रहा था। उसके स्वयं के जीवन में इतना दर्द और इतना संघर्ष था कि सड़क पर जहाँ से जहाँ जा रहा था जाने में ही उसकी सारी ऊर्जा लग रही थी, इसके बावजूद वो सही रीति से चल नहीं पा रहा था। सामने से मैं यदि गाड़ी पे हॉर्न देता तो बेचारा डर गया होता, जो कि उस व्यक्ति के साथ, उस असहाय व्यक्ति के साथ एक बहुत ही क्रूर व्यवहार होता मेरा। क्यों? वो चल नहीं पा रहा है और मैं गाड़ी पे बैठ के हॉर्न बजाए जा रहा हूं कि हट जाओ सामने से, लाट साहब आ रहे हैं, तुमने देखा नहीं क्या? उस व्यक्ति को देखकर आज सुबह घर जाते समय मुझे फिर से ये बात याद आई कि हे प्रभु, वो व्यक्ति मुझसे जवान है, मेरी मुझसे उम्र कम है, पैर टेढ़े हैं, हाथ टेढ़े हैं, कमर टेढ़ी है, शरीर में दर्द है और दर्द से तड़पते हुए वो चल रहा है। उस व्यक्ति की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं, मतलब मैं उससे किसी तरह से अच्छा नहीं हूं, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा स्वास्थ्य, चंगाई और बल प्रभु आपने मुझे दिया है। मेरे पैर तो टेढ़े नहीं है, हाथ टेढ़े नहीं है, आंखों की रोशनी, चश्मा लगाना पड़ता है ये बात अलग है, लेकिन चश्मा लगाने के बाद इतनी रोशनी मिलती है कि मैं कम से कम गाड़ी चला सकता हूँ। मुझे आज दोपहर को फिर से ये बात महसूस हुई कि प्रभु, इस पृथ्वी पर जीवन के लिए, जीने के लिए आपने जो दिन दिया है, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड मुझे आपके प्रति आभारी होना चाहिए, खासकर जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो जीवन में पूरी तरह से असहाय हैं। ये घटना मैंने इसलिए आज डिटेल में, विस्तार में बताई, जिससे कि हम में से हर व्यक्ति इस बात को समझे कि आज संध्या को इस सत्संग में जो लोग आकर बैठे हैं, इनमें से कोई लंगड़ा नहीं है, कोई लूला नहीं है, कोई गूंगा या बहरा अंधा नहीं है, सभी लोग स्वस्थ हैं। एक आध हफ्ते यदि बीमार बुखार हो गए तो भी अगले हफ्ते चंगा होकर आप यहाँ सत्संग में आ सके हैं। तो जब प्रभु ने हमको इतना सब कुछ दिया है तो हमारे जीवन में कितना आभार प्रभु के प्रति होना चाहिए। यदि आपके जीवन में आभार नहीं है तो मेरा निवेदन है कि किसी दिन सरकारी अस्पताल में चले जाएं और सरकारी अस्पताल में कुछ ऐसे वार्डों में चले जाएं जहां सबसे गंभीर मरीज आते हैं, तब आपको पहली बार पता चलेगा कि हे प्रभु, इन सबकी तुलना में मैंने तो जीवन में किसी भी प्रकार के दुख या दर्द का अनुभव नहीं किया है। ये विशेष मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और ये मैं अस्पताल के बारे में इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ कि अस्पतालों से मेरा कई तरीके से संबंध रहा है, कई कारणों से संबंध रहा है और अस्पतालों में मेरा जीवन बहुत बीता है, सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पतालों में भी। आप जहाँ चले जाइए असहाय लोग बैठे हैं, लंगड़े लूले लोग बैठे हैं, लोगों को जीवन में आशा नहीं है। तो आज हम में से कोई भी आज संध्या को ऐसी हालत में नहीं है। जब प्रभु के प्रति हमारा आभार है तो वो आभार व्यक्त भी तो करना चाहिए, प्रभु के प्रति हमारा आभार हमको व्यक्त करना चाहिए। कैसे व्यक्त करते हैं? कई तरीके हैं, उसमें से एक है जब हम प्रार्थना करते हैं तब अपने मन के आभार प्रभु के सामने रखें। यदि प्रभु ने मदद की तो वो विषय हम अगले हफ्ते देखेंगे जब हम प्रभु की प्रार्थना का अध्ययन करेंगे। तो मन से प्रभु के प्रति आभार हमको व्यक्त करना चाहिए। उसके अलावा इस सड़क पर जब अपन चलते हैं, सड़क पर कितने ही लोग हर दिन दुर्घटनाओं में फंस जाते हैं, अपनी गलती से नहीं, दूसरे की लापरवाही के कारण। दूसरे की लापरवाही के कारण यदि हमारा पड़ोसी दुर्घटना में फंस जाता है तो हमारी भी यह हालत हो सकती थी, लेकिन प्रभु ने हमारी रक्षा की, सुरक्षा की। इसलिए ना केवल प्रार्थना के समय प्रभु का आभार प्रदर्शन
प्रभु के प्रति आभार प्रदर्शन करना है जीवन के हर क्षण, उठते बैठते चलते फिरते। उसके अलावा आज दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। हम में से आज इस सत्संग में जितने आए हैं, शायद कोई भी बहुत बड़ा अमीर नहीं है, लेकिन शायद हम में से हर एक को भरपेट भोजन तो मिलता है या भोजन तो मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, और बल्कि याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आज इस सत्संग में जितने लोग बैठे हैं सभी गांवों से यहाँ आए हैं। मैं जब भी अपने गांव चंबल इलाके में जाता हूँ तो गांवों में काफ़ी समय बिताता हूँ, लोगों को साफ सफाई के बारे में बताता हूँ, मच्छरों से बचाव के बारे में बताता हूँ, बीमारियों से बचाव के आसान तरीके मैं बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हमेशा दर्द देती है, गांव से होकर जब गुजरते हैं हमारे इलाके में, कितने ही बच्चे भूखे नंगे अभागे घूमते हैं, बहुत मन को बहुत कचोटता है, बहुत ज़्यादा। अभी पिछली बार मैं गया था तो वहाँ एक लोहार, बैलगाड़ी में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो जो हवा करने की मशीन है और हथौड़े कुल्हाड़ी सब साथ में ले जाते हैं, गांव में कहीं डेरा डाल देते हैं और वहाँ डेरा डाल के वो लोगों की कुल्हाड़ी और फरसे और जो भी है उसको धार कर देते हैं, सब कर देते हैं। हम एक गांव में गए तो वहाँ एक लोहार बैठा हुआ कुछ तो गर्म कर रहा था, मुझे लगता है कि वो शायद कुल्हाड़ी थी उस पर धार कर रहा था। जैसे मैं पास गया उसने बहुत प्रणाम किया, उसने कहा कि भाई साहब हमारी हालत देखिए, सुबह से शाम तक बैलगाड़ी में हम जाते हैं, मेहनत करते हैं, इनकम ना के बराबर है, आजकल कोई कुछ नहीं देता है, उस हिसाब से आप और मैं कम से कम भरपेट खाना तो खा पा रहे हैं, इसलिए प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करना है। लेकिन आभार व्यक्त सिर्फ मुंह से नहीं होना चाहिए, आभार हमको प्रभु ने जो दिया है उसमें से थोड़ा बहुत वापस प्रभु को देने के द्वारा भी व्यक्त करना चाहिए। यहाँ सुबह जो सत्संग होता है उस सत्संग में दान पात्र आगे से पीछे को फिराया जाता है, जिससे कि लोग उनके मन में प्रभु के प्रति जो आभार है उस आभार को दान के द्वारा व्यक्त कर सकें। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि प्रभु ने हमको जो कुछ दिया है उसमें से एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए, प्रभु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए देना चाहिए, और ये आदत हम में से हर एक को होनी चाहिए। लेकिन प्रभु ये कहते हैं गुप्त में करना है, जिससे कि प्रभु उसको देखें और उसका प्रतिफल हमको दें। आज जो दो बातें मैं आपको बताना चाहता था उसमें से पहली बात है, प्रभु के लिए दान धर्म करते हैं उसको गुप्त में करना है, करना जरूरी है, आभार जरूर प्रकट करना है। और यदि किसी को लगता है कि मेरे जीवन में आभार प्रकट करने के लिए कुछ भी नहीं है तो गलत है, आपने जीवन को सही कोण से देखा नहीं है। यदि जीवन को सही कोण से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि जीवन के हर क्षण हमें प्रभु के प्रति आभार प्रकट करना है। दूसरी बात, हम में से हर व्यक्ति अपनी जरूरत में कहाँ जाता है, किससे याचना करता है, प्रभु से। कहते हैं कि जो नास्तिक है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, जो कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, जब मुसीबत आती है तब वो भी कहता है कि हे प्रभु आप हो तो मेरी मदद कर दें। मतलब वो कहता है कि नहीं है लेकिन फिर भी उसको लगता है कि कहीं प्रभु हो तो प्रभु से ही मदद मिल जाए। हम में से, लेकिन हम आज यहाँ जितने इस सत्संग में आए हैं इनमें से कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है, सभी लोग आस्तिक हैं। आस्तिक मतलब जो प्रभु को, प्रभु पर विश्वास करता है, जो प्रभु पर भरोसा करके जीवन बिताता है। हर आस्तिक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रार्थना करने की आदत होनी चाहिए। आज इस सभा के आरंभ में एक युवा भाई ने आकर प्रार्थना की,
क्या प्रार्थना की, हो सकता है मलयालम में प्रार्थना की इसलिए आप में से कई लोग समझ ना पाए, लेकिन उन्होंने दो तीन बातें विशेष कही, इस सभा पर अनुग्रह दें। दूसरी बात, जो लोग इस सत्संग को अटेंड कर रहे हैं उन सबके जीवन में अनुग्रह आए। तीसरी बात, वे लोग प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पहचान कर अपने जीवन में मुक्ति पाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी याचना की कि हे प्रभु, आपके दास जब खड़े होंगे तब उनके द्वारा आप अपना स्वयं का संदेश लोगों को दीजिए। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने प्रार्थना की थी। प्रार्थना किसी तरह की रटी रटाई बात का उच्चारण नहीं है। प्रार्थना का मतलब है, खासकर प्रभु यीशु तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जब उनसे प्रार्थना करें तो प्रभु से बिल्कुल वैसे ही प्रार्थना करें या याचना करें जैसे हम अपने माँ बाप से प्रार्थना करते हैं या याचना करते हैं। मैंने ये बात कई बार आपको बताई है, मेरे दो बच्चे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है इसलिए अब मेरे चार बच्चे हैं। बिटिया की एक और बिटिया है तो एक ग्रैंड चाइल्ड भी है। इनमें से हर एक व्यक्ति जब मुझसे आके बात करता है तो अलग अलग, कई बार अलग अलग प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं। बिटिया आती है, डैडी मैं ये किताब ले लूँ क्या? बेटा आता है, ये क्लिप ले लूँ क्या? उसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है क्या? उसके लिए किसी पेपर पर टाइप करके लाके मेरे सामने पढ़ना पड़ता है क्या कि पूज्य पिताश्री, आप जैसा कोई पिता नहीं है, ना तो मैंने देखा है ना देख पाऊंगा इत्यादि, और अंत में रिक्वेस्ट बोलते हैं क्या? जी नहीं। बेटे को यदि मेरी मदद चाहिए तो वो सीधे सीधे आके कहता है कि डैडी वो फलानी चीज आपकी है क्या? हाँ, मैं ले लूँ क्या? सीधे सीधे। बिटी आके कहती है कि अरे डैडी ये तो आपके पास दो है, आप एक साथ दोनों पे लिखते हैं क्या? तो नहीं नहीं मैं एक समय तो एक ही यूज़ करता हूँ, तो फिर डैडी दूसरा मुझे दे दीजिए। स्वाभाविक वार्तालाप, स्वाभाविक अनुरोध, स्वाभाविक रिक्वेस्ट, प्रार्थना भी इसी तरह से। प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रार्थना इसी तरह से स्वाभाविक प्रार्थना होनी चाहिए। पांचवें पद में हम पढ़ते हैं, जब तू प्रार्थना करें तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़क के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रभु जब संसार में थे तब कुछ लोगों की क्या आदत थी, सड़क चलते हुए अचानक कहीं उनको लगा कि अरे 100 लोग देख रहे हैं, तो वहीं खड़े हो गए और वहां खड़े होकर प्रार्थना स्टार्ट कर दिया। काहे को प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु से रिक्वेस्ट? जी नहीं। वहां सबके सामने खड़े होकर वो प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि इन 100 लोगों को मालूम हो कि अरे भैया साहब तो क्या प्रार्थना करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं प्रभु के सामने। नहीं, प्रभु से प्रार्थना इस तरह से नहीं की जाती है। मेरे बेटे या बेटी जब मुझसे कोई अनुरोध करते हैं तो घर के बाहर जाके सारे पड़ोसी सुने इस तरह से चिल्ला चिल्ला के विनती करते हैं कि डैडी आपकी टेबल पे तो 2 किताबें हैं, उसमें से एक मैं ले लूं क्या? और मैं चिल्ला के जवाब देता हूं क्या, हाँ हाँ ले लो, जिससे पड़ोसियों को पता चले कि बाप बेटे में लेन देन हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, किसी परिवार में ऐसा नहीं होता है। आत्मिक परिवार में भी जब हम प्रभु से विनती या याचना करते हैं, प्रभु कहते हैं कि जो पाखंडी है, जो दूसरों को दिखाने के लिए पब्लिक में खड़े होकर प्रार्थना करता है, इस तरह से प्रार्थना पाखंड नहीं है, प्रार्थना आपसी रिश्ता है। और जिस तरह से हम अपने पापा से कुछ चाहिए, माँ से यदि कुछ चाहिए तो जाकर प्राइवेटली उनसे मांगते हैं, प्रभु से हम जब प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, वो इसी तरह से रहस्य में होना चाहिए।
प्रभु यीशु के शिष्यों को बार बार ये शिक्षा भी दी जाती है कि सुबह और शाम, कम से कम सुबह शाम थोड़ा सा समय निकालकर उन्हें प्रार्थना में बिताना चाहिए। हमारे जीवन का हर क्षण प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन जो भी प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, जिन्होंने प्रभु के द्वारा नव जीवन पाया है, उन सब से मेरा अनुरोध है, एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है जीवन में, सुबह और शाम निश्चित रूप से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन माँ बाप जोर जबरदस्ती थोड़ी करते हैं। माँ बाप तो ये इच्छा करते हैं कि बच्चे मुझसे बातचीत करें, उसी तरह से प्रभु की इच्छा है। उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम में से हर एक के जीवन में प्रार्थना संबंधित कुछ आदतें डेवलप करना जरूरी है, जिसमें से एक आदत सुबह उठते ही। कई लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहला काम मोबाइल पे देखते हैं कि कोई संदेश तो नहीं आया। अरे काहे को मोबाइल पे देखते हो, सुबह उठते ही प्रभु की तरफ देखो कि प्रभु की क्या वाणी है, प्रभु का क्या संदेश है, और दिन भर के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगो। उसी तरह से रात को लेटने से पहले दिन भर प्रभु ने जो कुछ किया, प्रभु ने जो कुछ दिया, और हमारे जीवन में जो भी गलती हो गई है, जो कमी घटी रह गई है, गलतियों कमी घटियों के लिए प्रार्थना करें, उसके बाद सोने को जाएं। ये आदत प्रभु यीशु के शिष्यों में जरूर होनी चाहिए। उस आदत के बारे में प्रभु ने एक बात कही है कि तुम जब प्रार्थना करते हो तो पाखंडियों के समान दूसरों के सामने देखने दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुमको किसी ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहां कोई तुमको नहीं देख सके। प्रभु ने यहां ऐसा लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। आजकल के जो आधुनिक शहर के मकान हैं, इन मकानों में काल कोठरी नहीं होती है, लेकिन गांव में आज से 50 साल पहले जो मकान होते थे उसमें एक या एक से अधिक काल कोठरियाँ होती थीं। यदि आपको याद हो तो मेरे बचपन में गांव का जो घर था उसमें दो बड़ी बड़ी काल कोठरियाँ थीं जो जमीन के नीचे थीं। एक में गेहूं और अन्न वगैरह रखा जाता था, और दूसरा जो घर में जो कंद मूल वगैरह जिनकी खेती होती थी उनको रखने के लिए होता था। अलग अलग काल कोठरियों में इनको रखा जाता था। प्रभु जब इस संसार में थे उस समय मकानों में इस तरह से काल कोठरी होती थी, और इन कोठरियों की विशेषता थी कि यदि कोई उसके अंदर जाके बैठ जाए तो बाहर से आवाज़ अंदर ना आए, अंदर से आवाज़ बाहर ना जाए। प्रभु के कहने का मतलब है, मेरे बेटे मेरी बेटी, जब तुम प्रार्थना करो तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, मुझसे रहस्य में प्रार्थना करो, दिखावा मत करो। आप मुझसे संपर्क रखो और मैं जो रहस्य में तुमको देखता हूँ, मैं तुम्हारे दिल को पहचानता हूँ, उसके अनुसार तुमको अनुग्रह दूंगा। आजकल के मकानों में काल कोठरियाँ तो नहीं होती हैं, लेकिन हर मकान में ऐसी जगह है आप निकाल सकते हैं जहाँ दूसरा आपकी प्रार्थना में बाधा नहीं डाल रहा। जैसे सुबह सुबह यदि आप सबसे पहले उठ गए, बाकी सब सो रहे हैं, तो आप अपने बिस्तर पर बैठकर बिना दूसरों को सूचना दिए जगाए प्रार्थना कर सकते हैं। रात को यदि आप सबसे आखिर में लेटते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा, आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो काल कोठरी का आधुनिक युग में मतलब यह है कि देखो मेरे बेटे, देखो मेरी बिटिया, प्रार्थना तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, और प्रार्थना ऐसे करो कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, मुझसे वार्तालाप करने के लिए, अपनी सारी जरूरतें मेरे सामने रखने के लिए, और मेरे प्रति तुम्हारे मनों में जो आभार है वो प्रकट करने के लिए प्रार्थना करो। तो आज संध्या को मैं प्रभु के बच्चों को ये दो बातें याद दिलाना चाहता हूं। नंबर वन, प्रभु ने इस जीवन में हमको जो अनुग्रह दिए हैं उन सब अनुग्रहों के लिए हमको आभारी होना चाहिए। मुंह से प्रभु के प्रति आभार प्रकट करना जरूरी है, मन से आभार प्रकट करना जरूरी है। उसके अलावा प्रभु ने हमको जो इनकम दी है, चाहे छोटी से छोटी राशि हो, लेकिन प्रभु ने हमको जो इनकम दी है उसमें से एक हिस्सा हमेशा
प्रभु को आभार प्रकट करने के लिए देना जरूरी है, लेकिन ये सब रहस्य में होना चाहिए, मनुष्यों की प्रशंसा के लिए नहीं, प्रभु की प्रशंसा के लिए। नंबर दो, प्रभु के जितने बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है कि वे लोग प्रभु से प्रार्थना और याचना करें, और प्रार्थना और याचना के साथ प्रभु की स्तुति और प्रशंसा भी करें। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, अरे भैया साहब तो बड़े दानी आदमी हैं, भैया साहब तो खूब प्रार्थना करते हैं। जी नहीं, ये इस कार्य के लिए होना चाहिए कि प्रभु के और हमारे आपसी रिश्ते मजबूत हों। जिस तरह से बच्चे माँ बाप के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं, माँ बाप से बातचीत करते हैं, उसी तरह से प्रभु से हम अपने प्रेम को दान धर्म के और प्रार्थना के द्वारा प्रकट करें, लेकिन शर्त यह है रहस्य में होना चाहिए। इन दोनों बातों को समझने के लिए प्रभु हम में से हर एक की मदद करें। आज एक क्षण के लिए अपने जीवन को मुड़कर देखें, मेरे आपके जीवन में आभार है क्या, आभार की भावना है क्या, उसे हम प्रकट करते हैं क्या, और प्रकट करते हैं तो वो हमारे और प्रभु के बीच में है या दूसरों को दिखाने के लिए है। आज फिर से इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, जितने लोग इस सत्संग में प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, आप अपने जीवन को जरा जांच कर देखें, प्रभु जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से आप करते हैं क्या। ये सही रीति से अपने जीवन को क्रमबद्ध तरीके से बिताने के लिए प्रभु आप में से हर व्यक्ति की मदद करें।